हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंदुज किचन। आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी, जिसको बनाना बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पालक पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए 250 ग्राम पालक को मैंने साफ करके ठंडे पानी से 2-3 बार धोया है। फिर इसको उबलते पानी में डाल के अच्छी तरह से उबाला, फिर एक्स्ट्रा पानी निकाल के मिक्सी के जार में डाल के मैं अच्छी तरह से पीस लिया है। 250 ग्राम दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। 200 ग्राम पनीर को मैंने चौकोर टुकड़ों में काट के रखा है। ताजी मैंने छोटे 4 चम्मच मले लिए और फेंट के रखी है। और एक छोटा टमाटर, एक हरी मिर्च, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और लहसुन को डाल के मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना के रखा है। यदि आप टमाटर की ग्रेवी की पसंद करते हो तो दही की जगह आप 3-4 टमाटर लेके टमाटर की ग्रेवी बना सकते हो। और मसालों में मैंने नमक, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला लिया है। कढ़ाई में मैंने इस कटोरी से आधी कटोरी तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को मैंने एक धीमे आंच पे रखा है ताकि साइड में ग्रेवी को अच्छी तरह से तैयार कर सकूं। दही को एक बड़े बर्तन में ले लेंगे। सभी मसाले डाल देंगे, मिर्ची 1-1.5 चम्मच मिर्ची डालिए, हल्दी पाउडर चुटकी भर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक को हम बाद में डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। फटे हुए दही में मैंने लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। नमक और गरम मसाला ग्रेवी पूरी तैयार होने के बाद डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें आधा चम्मच जीरा, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बना है वो डाल देंगे। प्याज दही का ये पेस्ट डाल देंगे। और धीमी आंच को जब तक पकाएंगे, एकदम तेल ऊपर ना जाए जब तक। फटे हुए दही को मैंने 5-7 मिनट तक पकाया है, इसे तेल ऊपर आने लगा है। तेल की जगह यदि आप घी पसंद करते हो घी भी ले सकते हो। इसमें पिसा हुआ पालक डाल देंगे, इसको भी 5-7 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें चला लेंगे। अब पालक भी अपना पक चुका है, पालक को मैंने 5 मिनट पकाया है। अब फैटी हुई मली डाल के सब्जी पूरी तरह से गाढ़ी में हो जाए जब तक पकाते रहेंगे। अभी सब्जी गाढ़ी हो चुकी है, इसमें तेल भी अच्छे से ऊपर आ गया। इसमें नमक डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। मैं इसमें से 1.5 चम्मच नमक डाला है और 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें साइड में मैंने एक टी पैन पे गर्म पानी करने के लिए रखा है। गर्म पानी हो चुका है, इसमें गर्म पानी में चुटकी भर हल्दी डाल देंगे। उसमें पनीर के टुकड़े डाल देंगे। अब पनीर के टुकड़ों को गर्म पानी में डाल के मैंने डिप कर दिया है। इनको हाथ हाथ निकाल के एक एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और तैयार सब्जी में डाल देंगे। इसी तरह सारे के पनीर के टुकड़े इस सब्जी में डाल देंगे। सारे पनीर के टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। अब ये सब्जी पूरी तरह से तैयार भी हो चुकी है। गैस को बंद कर देंगे, सब्जी को ढक्कन लगा के रख देंगे। अब ये स्वादिष्ट गर्मा गर्म पालक पनीर की सब्जी खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।